अब आगे बढ़ेंगे, भोपाल की बात करते हैं जहां पर परिवार के साथ जगन्नाथपुरी घूमने गई युवती की हत्या के मामले में समुद्र में युवती का शव मिला है। इसे डालकर चलाया गया है शव। 23 नवंबर को सुबह की ये लापता थी और 26 नवंबर की शाम को ये शव बरामद हुआ है। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। परिजनों के पहुंचने के पहले ही युवती का पोस्टमार्टम किया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको राजधानी भोपाल से दे रहे हैं। दरअसल ये युवती परिवार के साथ घूमने के लिए जगन्नाथपुरी गई थी और 23 नवंबर को सुबह लापता थी। 26 नवंबर के शाम को इस युवती का शव बरामद किया गया। परिजनों की आशंका है, उनका आशंका है कि दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या कर दी गई है। अमृतांशी जोशी जुड़ी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस पूरे मसले पर। अमृतांशी, आप क्या अपडेट दे रही हैं? जी देखिए, ये जो पूरा मामला सामने आया है ये सागर जिले के बीना से सामने आया है, जहाँ पर एक परिवार जगन्नाथपुरी के ट्रिप पर घूमने गए थे। उसके बाद जब वो वहाँ पर पहुँचे तो सुबह अल सुबह जो है लड़की कपड़े गिर गए थे बालकनी से, उनको उठाने के लिए समुद्र किनारे पहुँची, लेकिन उसके बाद वो लड़की गायब हो गई। कई देर तक जब लड़की नहीं लौटी तो शाम को यहाँ पर जो परिजन थे उन्होंने वहीं पर उड़ीसा में ही थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद जो है लड़की का पता नहीं लग पा रहा था। लेकिन अभी 26 नवंबर को उड़ीसा पुलिस ने जो है परिजनों को इन्फॉर्म किया। आधे परिजन वहां पर रुके हुए थे जो कि लगातार लड़की की तलाश कर रहे थे, लेकिन जब परिजनों को फोन करके इन्फॉर्म किया गया कि एक लड़की की लाश समुद्र के किनारे मिली है, लड़की का जो लाश थी वो आधी जली हुई थी। साथ ही जब परिजनों ने इस लड़की के शव को पहली बार देखा तो ऐसा उन्होंने आशंका जताई है कि लड़की के साथ रेप हुआ है। लगातार परिजन ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि लड़की जो है अर्धनग्न व्यवस्था हालत में मिली थी और उसके बाद जो है लड़की के साथ रेप होकर जो है शरीर को जलाने की, एसिड से जलाने की कोशिश की गई है। देखिए, जो पूरा मामला सामने आया है बीना की तरफ से कई जगहों पर अगर हम बात करें, काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन बीना शहर में चल रहा है। लोगों ने, परिजनों ने चक्का जाम भी किया है, कैंडल मार्च भी निकाला गया है, और लगातार आपके पास निकल कर सामने आ रही है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जी जी देखिए, अपडेट फिलहाल यही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने इसको लेकर उड़ीसा पुलिस से बातचीत भी की है। उड़ीसा के जो अधिकारी और पुलिस वाले हैं लगातार उनसे संपर्क में, मध्यप्रदेश पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि पूरी जो है मामले की जाँच की जाएगी और जो भी दोषी है उनके साथ मिलकर, उड़ीसा पुलिस के साथ मिलकर यहाँ पर जो है कार्रवाई करने की कोशिश मध्यप्रदेश पुलिस कर रही है। उड़ीसा पुलिस के साथ मिलकर यहाँ पर मध्यप्रदेश पुलिस जो है आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जिसमें लड़की जाती हुई नजर आ रही है। उस सीसीटीवी के आधार पर ही पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी हैं उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्यप्रदेश पुलिस लगातार उड़ीसा पुलिस तो बिल्कुल दो राज्यों की पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है। देखना होगा कि इस गुत्थी को किस तरीके से सुलझाया जाता है और कब सुलझता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अमृतांशी, आपका बहुत शुक्रिया।